तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है विनय यादव, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द स्ट्रेंजर विनय पे। तो आज अपन और एक क्रूज़र बाइक के साथ यहाँ पे आए हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यह है एवेंजर 220 क्रूज़। इस गाड़ी के नाम में ही क्रूज़ लिखा हुआ है। तो आज अपन इस गाड़ी का फुल रिव्यू करने वाले हैं। इस गाड़ी में क्या क्या नया आया है BS4 से BS6 में, और क्या क्या फंक्शंस इस गाड़ी में आपको मिलते हैं, और क्या क्या चीज़ें आपको इस गाड़ी में मिलती है, उसका अपन आज इस वीडियो में पूरा रिव्यू करने वाले। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और प्राइस वगैरह भी मैं आप सभी को साथ शेयर करने वाला हूँ वीडियो के एंड में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको प्राइस और माइलेज इस गाड़ी का पता चले। तो अभी करते हैं इस गाड़ी का रिव्यू। अभी आप देखिए कुछ इस गाड़ी के सिनेमेटिक शॉट्स। तो गाइस, अभी अपन आते हैं इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गाड़ी जो है क्रूजिंग के लिए यूज़ की जाती है, और क्रूज़ इस गाड़ी का नाम है। नाम ही आपको 220 क्रूज़ आपको यहाँ पे नज़र आता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे आपको बड़ी सी विंडशील्ड नज़र आती है, जिसके कारण आप लॉन्ग राइड कर रहे हो, हाईवे पे राइड कर रहे हो, तो इस विंडशील्ड के कारण आपको बढ़िया एयरोडायनामिक, मतलब ज़्यादा हवा आपको नहीं लगती, जिसके कारण आप अपनी स्पीड को मेंटेन रख सकते हो। और अगर हम इस गाड़ी के हेडलैम्प की बात करें, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा सा हैलोजन हेडलैम्प मिलता है, जिसके कारण रात में आपकी राइड जो है बहुत ही बढ़िया होती है। और आजू बाजू में साइड में आपको DRLs नज़र आते हैं। एक मिनट गाइस, मैं आपको की ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अभी मेरी गाड़ी धूप में खड़ी है, तो इसके कारण जस्टिस नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको DRLs नज़र आती है, आजू बाजू में LED DRLs नज़र आती है, और जो अपना मेन हेडलैम्प है वो आपको हैलोजन हेडलैम्प यहाँ पे नज़र आता है। अगर हम साइड इंडिकेटर्स की बात करें, तो नॉर्मल बल्ब वाले साइड इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। फ्रंट के जो सस्पेंशन है, अच्छा खासा ट्रैवल आपको यहाँ पे फ्रंट सस्पेंशन का मिलता है, ताकि आप गड्ढे भी कुदा रहे हो तो आराम से गाड़ी झेल लेती है, और कंफर्टेबल राइड आपको देती है गाड़ी। और फ्रंट फेंडर और फ्रंट टायर की बात करें, तो यहाँ पे आपको ये क्रूजिंग के लिए बनी है, मतलब कि आप इसको कैसे भी रोडों पर चला लो। उसके कारण इस गाड़ी में आपको स्पोक व्हील मिलता है। स्पोक व्हील आप देख ही पा रहे हो, स्पोक यहाँ पे नज़र आते हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक नज़र आता है। फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक है, इसमें आपको ABS मिलता है। इस गाड़ी में आई थिंक सिंगल चैनल ABS मिलता है गाइस। हाँ गाइस, इस गाड़ी में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, जिसके कारण आपकी सेफ्टी जो है बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इस गाड़ी में क्रूजिंग कर रहे हो, आप हाईवे पे चला रहे हो, तो हाईवे पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी आ सकता है बीच में, तो उसके कारण सेफ्टी के हिसाब से बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे ABS में नज़र आता है। और अगर हम फ्रंट टायर के साइज़ की बात करें, तो 90x90 17 inches का यहाँ पे आपको टायर मिलता है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलता है, ताकि आप टर्निंग वगैरह पे सेफ्टी आपको यहाँ पे बढ़िया से मिल जाती है। और गाइस, अभी अपन आते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो इस गाड़ी में आपको मिलता है सिंगल सिलेंडर, ऑयल कूल, टिन स्वार्क, DTSI इंजन, फ्यूल इंजेक्टेड, फोर स्ट्रोक SOHC, टू वेल्व का इंजन मिलता है, जिसका डिस्प्लेसमेंट है 220cc का। इस गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट है, जिसके हिसाब से मैक्सिमम पावर जो ये प्रोड्यूस करती है, 19.03 PS की पावर ये गाड़ी मैक्सिमम प्रोड्यूस करती है। और इस गाड़ी का जो मैक्सिमम टॉर्क है, तो 17.55 Nm का ये गाड़ी का मैक्सिमम टॉर्क है। तो आप देख पा रहे हो, इस गाड़ी का जो टॉर्क है बढ़िया है, जिसके कारण आपको मतलब कि ख़राब रास्तों पर भी ये गाड़ी, और मतलब कि ऊँचे रास्तों पर भी और हिली एरियाज़ में भी ये गाड़ी आराम से पिकअप कर लेती है। और गाइस, अभी अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो अब इस गाड़ी की हाइट देख पा रहे हो, बहुत ही छोटी हाइट है इस गाड़ी की। ये जो शॉर्ट हाइट वाले लड़के हैं, शॉर्ट हाइट वाले लड़कियां हैं, वो इस गाड़ी को आराम से चला सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी की जो हाइट है बहुत ही छोटी है, और इसको अपन बोल सकते हैं डाउन टू अर्थ, इस गाड़ी को अपन बोल सकते हैं। बहुत ही मतलब सीटिंग पोजिशन इस गाड़ी की बहुत कम्फर्टेबल है, क्योंकि क्रूज़ है, तो आप एकदम इसमें फील, मतलब कि ऐसा एकदम आराम से राजेशाही वाली फील आपको यहाँ पर आती है। अभी हम अपन आते हैं थोड़े से लुक के तरफ, ग्राफिक वर्क के तरफ। तो यहाँ पे आपको कलर देख पा रहे हो, कलर आपको जस्टिस हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा पता नहीं, लेकिन ये जो कलर मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कलर मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये गाड़ी का जो कलर है बहुत ही प्यारा कलर आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको एवेंजर की 3D बैजिंग मिलती है, यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की स्ट्रिप मिलती है, यहाँ पे आपको 220 क्रूज़ की बैजिंग मिलती है। और अगर हम इस गाड़ी के एग्जॉस्ट की तरफ आते, तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में एग्जॉस्ट मिलता है। पीछे के टायर सेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा टायर मिलता है, 130x90 15 inches का यहाँ पे आपको टायर नज़र आता है, जिसके कारण आपकी जो हाई स्पीड पर स्टेबिलिटी है बहुत ही अच्छी हो जाती है। और पीछे में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, मतलब कि ड्रम ब्रेक है गाइज, पीछे में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता, क्योंकि अब पता नहीं मेरे को कंपनी ने क्यों नहीं दी है, लेकिन आपको यहाँ पे
ड्रम ब्रेक नज़र आता है। और इस गाड़ी में अपन कंफर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पे जो अपना राइडर है उसके लिए बहुत ही कंफर्टेबल सीटें होने वाली है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा पिलियन के लिए तकलीफ होगी क्योंकि ये जो पीछे की सीटें थोड़ी सी नैरो है और आगे की जो राइडर की सीटें बहुत ही बढ़िया मतलब कि ब्रॉड और कम्फर्टेबल होने वाली है। और अगर मतलब कि पिलियन को अच्छा मतलब कि कम्फर्ट चाहिए तो यहाँ पर आपको जो अपना बैक रेस्ट है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आता है। क्रोम फिनिश में यहाँ पर आपको ग्रैब्रिल्स नज़र आते हैं। और थोड़े से बैक लुक की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको एलईडी नहीं आपको नॉर्मल बल्ब वाला बैकलाइट मिलता है। आजू बाजू में जो इंडिकेटर्स है वो भी नॉर्मल बल्ब वाले आपके यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलते हैं। और अभी अगर अपन इस साइड की बात करें, इस साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको सारी गार्ड नज़र आता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको सारी गार्ड नज़र आता है। पीछे के सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं जिसके कारण आराम से आप गड्ढे वगैरह कूदा सकते हो, मतलब कि गड्ढे वगैरह में जाएंगे तो आपको कुछ उतना पता नहीं चलेगा। और अगर अपन इस गाड़ी के मतलब गियर रेशियो की बात करें तो मतलब कि 5 गियर का गियर बॉक्स मैनुअल गियर बॉक्स आपको यहाँ पे मिलता है जिसके कारण आप इस गाड़ी को अच्छे से चला मतलब कि अच्छे से हाईवे पे स्टेबिलिटी मिलती है, हाई स्पीड पे आप इसको क्रूज कर सकते हो। और अभी अपन थोड़ा इस गाड़ी के मीटर कंसोल हैंडल बार की तरफ आते हैं, सीटिंग पोजीशन की तरफ आते हैं तो मीटर कंसोल जो है इस गाड़ी का बहुत ही सिंपल सा मीटर कंसोल है, डिजिटल वाला मीटर कंसोल यहाँ पे आपको नजर आता है। यहाँ पे आपको ऊपर में स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पे नीचे में आपको ट्रिप 1 ट्रिप भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको टाइम शो करता है और यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेट करता है। लो अभी तो गाड़ी में फ्यूल नहीं तो ये ब्लिंक कर रहा है। और थोड़ा सा अपन यहाँ पे आपको छोटी सी स्क्रीन मिलती है जिसमें आपको थोड़े से लाइट इंडिकेशंस मिलते हैं, ABS और इंजन चेकअप लाइट वगैरह यहाँ पे आपको नज़र आते हैं। और अगर अपन इस गाड़ी के हैंडल बार की बात करें तो यहाँ पे आप जो हैंडल बार है बहुत ही कम्फर्टेबल हैंडल बार है, आप इसमें एकदम आराम से बैठ सकते हो। अपन इस गाड़ी की टैंक की बात करें, टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इस गाड़ी की जो टैंक कैपेसिटी है 13.5 लीटर की आपको यहाँ पे टैंक कैपेसिटी मिलती है जिसके कारण आप अगर इस गाड़ी को लॉन्ग चला रहे हो मतलब कि 220 cc की गाड़ी है, 40 से 45 km का आपको माइलेज मिलता है जिसके कारण आप इसको अच्छे से क्रूज कर सकते हो। मतलब कि एक बार फ्यूल भरा दो तो आप आराम से 500-600 किलोमीटर आप इस गाड़ी को चला सकते हो। और अपन अगर इस गाड़ी के स्विचेस की बात करें तो अच्छी खासी क्वालिटी यहाँ पे आपको मिल जाती है स्विचेस की इधर साइड वाले। और इधर में अगर किल स्विच की बात करें तो बहुत ही छोटा सा किल स्विच आपको यहाँ पे मिलता है जिसकी क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी, लेकिन ठीक है गाइज, स्विच वगैरह की क्वालिटी आपको यहाँ पे डिसेंट मिलती है। और जो अपने साइड मिरर्स है बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे स्टाइलिश वाले साइड मिरर्स मिलते हैं। तो गाइस अभी तक आप वेट कर रहे होगे कि मैं इस गाड़ी का माइलेज और प्राइस बताऊँ, तो सबसे पहले अपन इस गाड़ी के एक शोरूम प्राइस की तरफ आते हैं। तो इस गाड़ी को एक शोरूम प्राइस है वो है 1,24,000 इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है। अभी आप अपने नज़दीकी शोरूम या फिर नज़दीकी डीलरशिप में जाके पूछ सकते हो क्योंकि हर सिटी और हर स्टेट के सबसे वेरी होते रहता है एक शोरूम और ऑन रोड प्राइस, तो आप जाके पूछ सकते हो। और गाइस इस गाड़ी का माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो 220 cc का आपको इस गाड़ी में इंजन मिलता है, तो उसके हिसाब से इस गाड़ी का जो माइलेज आता है आपको तो 45 से 50 का माइलेज आपको मतलब कि क्रूज बाइक है गाइज, ये स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, इसके कारण इसमें ज़्यादा पावर नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको 45 का माइलेज आराम से ये गाड़ी दे देती है। तो अगर आप मेरे गोंदिया के व्यूअर्स हो या फिर गोंदिया के आसपास के व्यूअर्स हो, आपको ये गाड़ी देखना है या फिर बजाज का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, तो यहाँ पे अपने गोंदिया के जो बजाज की डीलरशिप है रमानी बजाज, यहाँ पे आप आ सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर पॉपअप हो रहा होगा, तो आप चेक कर सकते हो। इनके पास आपको सारी गाड़ियों के टेस्ट राइड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप यहाँ पर आ सकते हो, टेस्ट राइड ले सकते हो और जो भी गाड़ी आपको पसंद आती है तो आप घर पर बुक करके ले जा सकते हो। तो बस ये कुछ इस वीडियो में आप सबके शेयर करना था। अगर वीडियो आपको पसंद आओगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना इस वीडियो को। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और सब्सक्राइब करके जरूर जाना गाइस इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर